हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आपका दोस्त धन जी आज फिर से प्रैक्टिस सेट 10वां लेकर सेट का प्रैक्टिस नंबर सेट जो 10वां है उसको लेकर चले आए हैं, जिसमें साइंस के क्वेश्चन होते हैं। साइंस के टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन में से कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं और बायो के क्वेश्चन हैं, जिसमें 8 गो फिजिक्स का क्वेश्चन मिलेगा, 9 गो केमिस्ट्री का और 8 गो बायोलॉजी का क्वेश्चंस मिलेगा। सभी के सभी क्वेश्चन ज़बरदस्त हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी ग्रुप डी के हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चनों का संग्रह है। तो जल्दी से जुड़ जाइए और जो लोग जुड़े हैं उसको शेयर कर दीजिए। तो एक बार वेट कर लेते हैं सभी लोगों का वेट करते हैं और उसके बाद पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो जल्दी से शेयर कीजिए सभी लोग को जुड़ने दीजिए। सभी लोग जुड़िए जल्दी से। जो लोग जुड़े वो बताइए कि कैसा लग रहा है सेट, अच्छा है? जो सेट चल रहा है उसका डिस्कशंस कैसा है और कैसा कैसा है? आप लोग तो जुड़ते हैं बहुत लेट से, जुड़िए जल्दी जल्दी सब लोग। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से ताकि स्टार्ट कर दिया जाए। एक मिनट वेट कर लिया जाए सभी का। तो जुड़िए जल्दी से। आरआरसी ग्रुप डी का यह सेट होगा जिसमें सुपर 25 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जुड़िए जल्दी से सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए आज के सेट को देखते हैं। तो चलिए आज सेट स्टार्ट करते हैं, 10वां नंबर फिर से सुन लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक रात 9 बजे जुड़ते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन आपको साइंस का देखने का मिलेगा। साइंस में यह 10वां सेट है। 9 बजे रात को जुड़ते हैं, 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं, वो भी साइंस का, और 10वां सेट है। और यह क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जो पूछे गए हैं उनके प्रीवियस ईयर्स का पेपर है, तो उसको सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा और बायो भी मिलता है। फिजिक्स के आज के क्वेश्चन टोटल 8 को संग्रहित किया गया है, केमिस्ट्री में 9 और बायो में 8 क्वेश्चन, टोटल मिला के 25 क्वेश्चन का यह क्या है संग्रह है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगर कोई गतिशील वस्तु है तो उसमें अनिवार्य रूप से होगा, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त हो करती है क्या? यांत्रिकी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। जब एक गतिशील वस्तु होती है तो अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है क्या? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। पहला का आंसर कीजिए सभी लोग कि एक गतिशील वस्तु का अनिवार्य रूप से प्राप्त करता है क्या, स्थितिज, गतिज या यांत्रिक। तो अगर आपका आंसर की अगर बात कहा जाए पहले का, तो एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है गतिज ऊर्जा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv². स्थितिज ऊर्जा, जब किसी के स्थिति या उसके आकृति में परिवर्तन के कारण या उसके अवस्था में परिवर्तन के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित हो जाता है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और यह होता है ke = 1/2 mv², और यह होता है PE यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। और यांत्रिकी ऊर्जा कहता है, जो यांत्रिक ऊर्जा है यह जो होता है ke + PE के बराबर होता है, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो पहला हुआ गतिज ऊर्जा। दूसरा क्वेश्चन बताइए कि अगर 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? आंसर कीजिए जल्दी से दूसरा नंबर का, फटाफट खींचते हैं, जो क्वेश्चन लीजिए उसको फटाफट खींचते हैं। बताइए क्या होगा अगर 1 kg के वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं तो किया गया कार्य कितना होगा, कितना जूल होगा? जल्दी से बताइए सभी लोग,
कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे आपको दे दिया है एम, एम है 1 kg, 1 kg ले लेते हैं। ए दे दिया है, जी दे दिया है कितना 9.8, और एच दे दिया है 10 मीटर, और अभी बताए हैं कि पी जो होता है वह होता है एम जी एच। एम जी एच है तो 1 × 9.8 × 10, इसका मतलब 98, और ऊर्जा है तो क्या होगा, जूल होगा, तो 98 जूल जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और बताइए 98 जूल हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 98 जूल आंसर हो जाएगा। आगे चलिए तीसरा नंबर, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगा, यानी शक्ति का आपको बताना है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए। आंसर कीजिए जल्दी से, वाट, अर्ग, किलो या जूल। अगर इसकी बात कहा जाए शक्ति का, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जूल किसका होता है, तो ऊर्जा का होता है, जूल किसका होता है, ऊर्जा का होता है। आगे बढ़िए चौथा नंबर, एम द्रव्यमान कहा कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु है, 2V और वेग 2V है, तो इसका संवेग क्या होगा बताइए, कि जब m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका वेग 2V है तो इसका संवेग क्या होगा, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए जल्दी से इसका। तो बताइए m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु है 2V से चल रही है, तो संवेग बताइए क्या होगा, आपको बताना है संवेग कितना होगा, आंसर कीजिए चौथा का, कि इसकी संवेग कितनी होगी, जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग, कितना होगा। जब m/2 से चल रहा हो और वेग 2V हो तो संवेग कितना होगा बताइए जल्दी से, संवेग कितना होगा। चलिए अगर संवेग की अगर बात करता है तो संवेग क्या होता है, p बराबर होता है mv, m कितना दिया हुआ है, तो m/2, और v कितना दिया हुआ है, 2V दिया हुआ, तो 2 से अगर 2 कट जाए, क्या है m/2 था और वेग 2V था, तो m/2 और 2 से 2 कट गया, यानी कि p बराबर का मिल गया, mv मिल गया, तो कहेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, पांचवा नंबर, कि 273 को केल्विन का मान डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, यानी 273 केल्विन का मान क्या है बताइए, 100 केल्विन, 10 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड। पांच नंबर का बताइए जल्दी से का क्या होगा, पांच का 273 को कितना होगा, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए जल्दी से, पांचवा का 273 के का मान कितना होता है, 273 के का मान कितना होता है, तो चलिए इसकी अगर बात कहा जाए 273 के का मान कितना होता है, 273 के का मान कितना होता है, और लोग आंसर कीजिए जो लोग हैं, तो 273 के कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि C/5 F-32, C/5 F-32 कितना होता है, F-32/9, C/5 F-32/9, क्योंकि यह जो होता है 32 और 212 में से 32 को घटाना होता है, ए हो जाता है 180, जब 20 से कटाएगा तो 9 आता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 9, C/5 F-32 K-,
के माइनस 273 बाई 5 और आर बाई 4 होता है। यह क्या होता है, इसका समीकरण होता है, जब आप 273 केल्विन का मान डिग्री सेंटीग्रेड में बदल दीजिएगा तो 5 से 5 कट जाएगा और डिग्री तो आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। तो यह क्या इसका सूत्र है, और 273 केल्विन का मान निकालने पर 0 डिग्री होता है। आगे आइए, अगर धरती के सतह पर मापने पर एक वस्तु 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर सतह का मान क्या होगा, इसका भार बताइए कितना होगा, कितना होगा बताइए छठवां का, छः नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से। एक धरती के सतह पर किसी वस्तु का भार जो है 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर सतह का भार, चंद्रमा पर कितना होगा, चंद्रमा पर कितना होगा आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन, क्योंकि पृथ्वी के भार का छठा भाग जो होता है चंद्रमा पर भार होता है, तो यह क्या हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। सातवां नंबर का आंसर कीजिए, सात नंबर बताइए कि 5.6 किलोवाट घंटा को आपको बताना है कितना जूल होता है, यानी कि 5.6 जो किलोवाट घंटा है इसमें कितना जूल होता है, बताइए जल्दी से कि 5.6 किलोवाट में कितना जूल होता है। तो चलिए अगर इसकी बात कहा जाए तो 5.6 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो आपको पता है कि अगर हम 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, अगर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट और 1 यूनिट में होता है 3.6 गुणे 10^6 और 1 यूनिट में जब इतना होता है तो 5.6 किलोवाट घंटा में कितना होगा, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है 5.6 से 3.6 में गुणे 10^6 में मल्टीपल कर देना है। जब मल्टीपल कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 20.16 गुणे 10^6 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस क्या करना था, तो 3.6 गुणे 10^6 जूल से आपको गुणा करना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए कि किसके खोज के बाद, किसकी खोज बाद में हुई और इसे इका सिलिकॉन कहा जाता है, किसे कहा जाता है, किसके खोज के बाद हुई थी इसे इका सिलिकॉन से बदल दिया गया, मतलब कि बाद में इसे इका सिलिकॉन को बाद में बदल दिया गया, किस में, मेंडलिफ ने खोजा था और बाद में भविष्यवाणी किया था। तो बताइए कि इका सिलिकॉन किसको कहा जाता है, इका सिलिकॉन को क्या कहा जाता है, जल्दी से आंसर कीजिए इका सिलिकॉन को क्या कहा जाता है, रुबेडियम, एस्केडियम, जर्मेनियम या गैलियम, इका सिलिकॉन को कहा जाता है क्या, रुबेडियम, एस्केडियम, जर्मेनियम या गैलियम, क्या कहा जाता है बताइए। अगर इसकी अगर बात कहा जाए कि जो इका सिलिकॉन है क्या कहा जाता है, तो इका सिलिकॉन को कहा जाता है, देखिए क्या क्या तीन को मिलता है आपको, एक मिलेगा इका सिलिकॉन, सिलिकॉन, इका बोरॉन, इका बोरॉन और इका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इका बोरॉन और इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इका बोरॉन और इका एल्यूमिनियम। इका सिलिकॉन की अगर बात कहा जाए तो इका सिलिकॉन को क्या कहते हैं, इका बोरॉन को क्या बोलते हैं और इका एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं, देखिए इका सिलिकॉन, इका सिलिकॉन को क्या बोला जाता है, तो इका सिलिकॉन को तो जर्मेनियम बोला जाता है, जर्मेनियम बोला जाता है। इका बोरॉन, इका बोरॉन को एस्केडियम बोला जाता है, एस्केडियम बोला जाता है और इका एल्यूमिनियम को गैलियम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो गैलियम बोला जाता है। तो यह आप सबको दिया हुआ था इका सिलिकॉन, कहेगा कि इका सिलिकॉन, तो सिलिकॉन को जरा दीजिए जर्मेनियम,
एल्यूमिनियम को गला दीजिए तो कहेंगे कि यह क्या है, इक्का एल्यूमिनियम है, तो कहेंगे इक्का एल्यूमिनियम को गला दीजिए, मतलब इक्का एल्यूमिनियम गैलियम। और एस्केडियम जो होता है, एस्केडियम जो होता है इसको क्या कहते हैं, तो एस्केडियम कहते हैं इक्का बोरोन, इक्का बोरोन जो होता है, यह है इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इक्का सिलिकॉन को क्या कहते हैं, तो जर्मेनियम कहते हैं। आगे बढ़िए, कौन सा क्षार नहीं है, आपको बताना है कि निम्न में से क्षार नहीं है क्या, NH4OH, C2H5OH, NaOH या KOH, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, NH4OH, C2H5OH या NaOH या KOH, बताइए क्या होगा, आंसर कीजिए 9th नंबर का, क्या होगा, कौन सा क्षार नहीं है, कौन सा क्षार नहीं है, बताइए जल्दी से, NH4OH, NaOH, C2H5OH या KOH। तो आपसे पूछे कि कौन क्षार नहीं है, तो जिसमें क्षार कहा जाता है कि जिसमें OH लगा हो वह क्या हो, करीब करीब तो सब में OH लगा है। तो देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्षार हैं, यही हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, लेकिन C2H5OH कल ही बताए थे आपको कि C2H5OH 2×4 जब क्या होता है CnH2n+1 और उसमें OH लग जाता है तो यह एल्कोहल समूह के हो जाता है। तो यह क्या कहेंगे कि यह क्या है, एथिल एल्कोहल है, क्या है यह, एथिल एल्कोहल है। तो यह क्षार नहीं है, तो कहेगा कौन सा क्षार नहीं है, तो यह क्या है, यह क्षार नहीं है C2H5, C2H5 क्या है, तो C2H5 एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, बताना है कि अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कौन करता है, CuO, Na2O या एल्युमिनियम के ऑक्साइड या पोटेशियम के ऑक्साइड, बताना है कि अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, कौन जो है अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, बताइए जल्दी से, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, बताइए कौन, और अम्ल और क्षार के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, एल्युमिनियम Cu, Na2O या K2O, बताइए क्या होगा, आंसर कीजिए जल्दी से, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। अगर इसकी अगर बात कहा जाता कि अम्ल और क्षार के साथ जो अभिक्रिया करता है उसको क्या कहते हैं, Al2O3, अम्ल और क्षार के साथ जो अभिक्रिया करता है उसको कहते हैं एम्फोटेरिक या उभयधर्मी, क्या कहते हैं इसको, एम्फोटेरिक या उभयधर्मी, उभयधर्मी। और एम्फोटेरिक और उभयधर्मी कौन कौन से हैं, एम्फोटेरिक या उभयधर्मी कौन कौन से हैं, एम्फोटेरिक और उभयधर्मी कौन कौन से हैं, तो आप बताइए, आपको बताते हैं कि एम्फोटेरिक और उभयधर्मी कौन होता है। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे, क्या होता है, एक लिख लेंगे, गाना के तरह लिखते हैं कि जनाबे अली, जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो, मतलब ये सारे के सारे जो है एम्फोटेरिक तत्व हैं, जनाबे मतलब कि ZN, जनाबे मतलब जाने मतलब कि N, बे मतलब बेरिलियम, अली मतलब AL एल्यूमिनियम, सबसे मतलब SB, आसान मतलब AS और पंजाबी मतलब PB, सॉन्ग मतलब क्या होता है SN टीन और गाया मतलब होता है गैलियम यानी कि GA और करो मतलब CR। आपसे पूछा है कि ये सारे के सारे क्या हैं, उभयधर्मी तत्व हैं,
जेड एन बी ई एल्यूमिनियम एस बी आर्सेनिक और ए एस पी बी टीन और गैलियम और क्रोमियम ये सारे के सारे जो है उभयधर्मी तत्व हैं। तो आपसे यही पूछा था कि अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कौन करता है, तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड या तो जेड एन के भी ऑक्साइड हो सकते हैं, इसके भी ऑक्साइड या इसके किसी के अगर ऑक्साइड आपको दिखाई दें तो अम्ल और क्षार दोनों के साथ करते हैं, क्योंकि इनको एम्फोटेरिक या उभयधर्मी तत्व कहा जाता है। तो आप एक बार याद रख लेंगे, जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो, जेड एन बी ई ए एल एस बी ए एस पी बी एस एन जी ए और क्रोमियम ये सारे के सारे क्या हैं, एम्फोटेरिक तत्व हैं। तो आपसे पूछा था कि कौन अम्ल और के साथ कर सकता है, तो क्या आपको इसमें से कोई दिखाई दे रहा है तीन ऑप्शन में, नहीं सिर्फ आपको एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे कि एल्यूमिनियम क्या हुआ अभिक्रिया करेगा। आगे बढ़िए 10 नंबर, डोवेर्नियर के तीन तत्वों के समूह को पहचान करिए, मतलब कि तीनों तत्वों का समूह पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया, मतलब तीन तत्वों के समूह को पहचान करके क्या नाम दिया, ट्रायड यानी त्रिक, थ्राइस या टेट्राड या ट्रिटियम, बताइए 11 को क्या कहेंगे, 11 का आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी से कि क्या कहेंगे, डोवेर्नियर ने क्या कहा था, ट्रायड या त्रिकनियम, थ्राइस ट्राइड या ट्रिटियम, 11 को बताइए जल्दी से कि क्या होगा। डोवेर्नियर के तीन तत्वों के समूह को पहचान करें और उनका नाम दिया गया है, बताइए क्या होगा। चलिए अगर इसका आंसर की बात कहा जाए तो उसको ट्रायड या त्रिकनियम कहा जाता है, ट्रायड या त्रिकनियम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो क्योंकि वह परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाए थे और कहा कि दो तत्व क्योंकि तीन तीन के क्रम बनाए थे और कहा कि जो बीच वाला तत्व होता है इन दोनों तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा, मतलब ए बी सी कहें तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा ए और सी के परमाणु द्रव्यमान के जो औसत होगा यही क्या होगा, इसका होगा। तो डोवेर्नियर ने त्रिक को नियम को दिया था। तो आपसे पूछे कि तीन तत्वों के समूह को पहचान के किस रूप में जाना जाता है, तो त्रिक नियम या ट्रायड नियम के रूप से जाना जाता है। 12 नंबर, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, अब बताइए कि आवर्त सारणी के आविष्कार किसे माना जाता है, आवर्त सारणी के आविष्कार किसे माना जाता है, आंसर कीजिए जल्दी से कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, मेंडलिफ ने, लुई पाश्चर ने, मेरी क्यूरी ने, एंटोनियो लेवेजियर ने, बताइए कि 12 नंबर का आंसर क्या होगा, कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, मेंडलिफ ने, लुई पाश्चर ने, मैडम क्यूरी ने या एंटोनियो लेवेजियर ने। तो अगर कहे कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया तो डिमिट्र जो मेंडलिफ है उसने, उनके समय कुल 63 तत्व थे। लेवेजियर को आधुनिक विज्ञान का पिता, आधुनिक केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है या केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। तो आवर्त सारणी का आविष्कार किसे माना जाता है, तो डिमिट्र मेंडलिफ साहब को, उस समय उनका क्या था 63 तत्व थे। कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व होगा, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है, मतलब कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसका है, सी एस का है, ए जी का है, ए यू का, पी टी का, एल्यूमिनियम या लिथियम का, बताइए ए बी सी डी में किसका है, किसका विद्युत ऋणात्मक कम है, सबसे कम है, बताइए किसका विद्युत ऋणात्मक सबसे कम होता है, आंसर कीजिए इसका जल्दी से, 13 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से, कौन सा विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है, मतलब न्यूनतम, अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए तो सबसे न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक तत्व निम्नलिखित में से कौन है, तो सी एस है, क्या है, सी एस है। अगर पीरियोडिक टेबल में अगर बात कहा जाए तो हम जब बाएं से दाएं जाएं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है। तो अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है और इधर से इधर आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, तो
तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर भी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। देखिए बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या बढ़ता है, आप बाएं से दाएं जाएंगे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, घटता क्या है तो इसकी जो परमाणु आकार होता है वही घटता है, परमाणु आकार घटता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है बढ़ता है, आपसे विद्युत ऋणात्मकता से पूछा था। तो देखिए तो यहाँ पे है CS और ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होता है, तो इसमें CGM क्या है सबसे निचले पायदान पे है, तो कहेंगे कि CGM क्या है सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है, जब से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है तो फ्लोरीन की होती है, सबसे अधिक फ्लोरीन की सबसे कम CS की यानी CGM की होती है। तो आपसे पूछा था कि निम्न में से किसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है, तो जो CGM है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, 14 आइए कि सोडियम एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण कौन है, यानी कि सोडियम एसिड के जो अग्निशामक यंत्रों में जो उपयोग किया जाने वाला लवण होता है उसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट, बताइए क्या होता है। जो सोडा एसिड जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें उपयोग किया जाने वाला लवण कौन होता है, आंसर कीजिए जल्दी से इसका, कि सोडा जो एसिड अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाने वाला लवण कौन सा है, तो इसकी अगर आंसर की बात कहा जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसे खाने वाला सोडा कहा जाता है, खाने वाला सोडा कहा जाता है। अग्निशामक देखना चाहें, अग्निशामक की अगर बात कहा जाए तो देखिए यह होता अग्निशामक, यह अग्निशामक होता ऊपर होता है प्लम्बर, यह होता H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ से जब आप इस पे धक्का देते हैं तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल का जो कांच का होता है टूट जाता है, और जो यह सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो घोल होता है, सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट का घोल होता है वह ऊपर आ जाता है और ऊपर आके क्या होता है ऑक्सीजन के रूप में छेक लेता है और फिर क्या होता है बनता है नोजल्स के माध्यम से। तो आपसे पूछा था कि बताइए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम एसिडिक अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन है, सीसा, एल्यूमिनियम, तांबा या जस्ता, बताइए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन है, सीसा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, जस्ता है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन है, सीसा, एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता। तो अगर इसकी अगर बात कहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन है, तो पृथ्वी पर इसमें से पाए जाने वाला सबसे अधिक क्या होगा, तो एल्यूमिनियम होगा, क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु एल्यूमिनियम, देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या क्या पाया जाता है, देखिए सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.1%, उसके बाद होता है सिलिकॉन, ऑक्सीजन अधातु है, सिलिकॉन क्या है, ऑक्सीजन अधातु है और सिलिकॉन क्या है, उपधातु है, जबकि एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पे आता है, यह क्या है, धातु है। तो आपसे पूछा था कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन है, तो एल्यूमिनियम है। पूछता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, या पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला अधातु ऑक्सीजन, पृथ्वी पर सबसे अधिक उपधातु कौन सा है, तो सिलिकॉन, यहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछा था कि कौन सा धातु है, इसलिए इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम 8.2% होता है, उसके बाद होता है आयरन लोहा, उसके बाद क्या होता है आयरन, उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फिर क्या होता है टाइटेनियम, और यह होता है हाइड्रोजन, और फिर क्या होता है अदर होता है। तो इसका क्या है आपका उपस्थिति है, आपसे पूछे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कहे या धातु का आंसर होगा ऑक्सीजन, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला उपधातु सिलिकॉन, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कहता तो एल्यूमिनियम, अगर क्रम सजाने को कहता तत्वों का तो कहेंगे सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम,
कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन और अदर, ये सारे के सारे क्या हैं, क्रम है। तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे कि सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु का है तो एल्यूमिनियम होगा, सबसे अधिक पाए जाने वाला अधातु का है ऑक्सीजन होगा, उपधातु का है सिलिकॉन होगा। तो आपसे पूछा था कि सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु बताइए, तो सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु तो क्या कहते हैं, तो सबसे अधिक पाए जाने, तो सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु जो होता है वे होता है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। आगे बढ़िए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है, कौन सा धातु है जो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है, एल्यूमिनियम, लेड, पोटेशियम या जिंक। जल्दी आंसर कीजिए इसका, कौन सा धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक या पोटेशियम, जल्दी कीजिए। तो अगर इसकी आंसर की बात कहा जाए तो कौन धातु के साथ आसानी से अभिक्रिया करता है, तो उसको पोटेशियम, क्योंकि यह जल के साथ अभिक्रिया करके जलने लगता है, इसीलिए यह क्या होता है, पोटेशियम और सोडियम को किरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो पूछा कि जल के साथ जो आसानी से अभिक्रिया कर लेगा वह है पोटेशियम। 17 नंबर आंसर कि बताइए कि गैस विकसित होता है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब कि कौन सा गैस एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर निकलता है, बताइए कौन सा गैस निकलता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, बताइए जल्दी से, 17 नंबर का बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से कीजिए इसका। आंसर कीजिए जल्दी से, कौन सा गैस जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो निकलता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन या किस, बताइए क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए इसका, जल्दी से आंसर कीजिए, आंसर कीजिए इसका। तो अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए, कौन सा गैस विकसित होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो वह गैस होता है आपका हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन, क्योंकि जब ZN के साथ 2HCl के अभिक्रिया कराइएगा तो यह ZnCl प्लस H2 का करता है, बाहर निकालता है। तो आपसे पूछा है कि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया कराएगा तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो आपसे पूछा कि कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस। बताइए उत्तक में कोशिकाओं की जीवित और लंबी कोने पर अनियमित रूप से मोटी होती है उसको क्या कहते हैं, एस्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, अर्नेकाइमा या पेरनेकाइमा, बताइए क्या कहा जाता है उसको, बताइए जल्दी से किसको क्या कहा जाएगा, आंसर कीजिए जल्दी से इसका, 18 नंबर का आंसर कीजिए। चलिए इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए तो इसका आंसर होगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्यों मोटा होता है, क्योंकि यह जो होता है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन जमाव के कारण, सेलुलोज हेमी सेलुलोज और पैक्टिन के जमाव के कारण उसके कोने पर मोटी के रूप में जमी हो जाती है, इसलिए कोलेनकाइमा क्या होता है, उसके उत्तक लंबी और कोने पर अनियमित रूप से मोटी हो जाती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन के कारण से, और इसी कोलेनकाइमा के कारण से क्या होता है, पौधे में लचीला प्रदान होता है। 19 नंबर, बायोप्सी मैट्रिक्स का उद्देश्य क्या है, जो बायोप्सी मैट्रिक्स है इसका उद्देश्य क्या है, बताइए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, बताइए आंसर कीजिए इसका। जो बायोसिस्टमैटिक है उसका उद्देश्य क्या होता है, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है, ए बी सी डी, बताइए इसका आंसर। 19 का आंसर कीजिए जल्दी से क्या होगा, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है, चलिए
अगर इसका आंसर की अगर बात कहा जाए कि बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है, तो आंसर होगा डी। बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों में जो विभिन्न मानक है कि समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनको फाइलोजेनी की स्थापना पर आधार पर जीवों को वर्गीकरण करना होता है। तो यह हुआ 19 नंबर। 20 नंबर करिए, हमारे शरीर के अंग कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? बताइए, पेट, गुर्दा, त्वचा, दिमाग। हमारे शरीर का में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पेट, गुर्दा, दिमाग या त्वचा? इसका आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा, कौन सा अंग सबसे बड़ा है? चलिए, अगर हमारे शरीर में कई अंग है और उसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वह होता है त्वचा। क्या होता है? त्वचा होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कह देता है तो क्या हो जाता है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर हो जाता है। तो सबसे बड़ा अंग पूछा है, सबसे बड़ा अंग पूछा है, तो सबसे बड़ा अंग त्वचा, ग्रंथि कहता तो यकृत या लीवर हो जाता, यकृत या लीवर हो जाता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर, कौन सी प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? प्रजनन, संचरण, श्वसन या पाचन? बताइए क्या होगा। कौन सा प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक होता है? प्रजनन, संचरण, श्वसन या पाचन? 21 का आंसर कीजिए जल्दी से, 21 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा? प्रजनन, संचरण, श्वसन या पाचन? तो जो प्रजाति की संख्या बने रहे और विलुप्त न हो, इसके लिए प्रजनन की आवश्यकता क्या होगी? होगी, जब प्रजनन होगा तो सही रूप से संख्या बनी रहेगी, विलुप्त नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैरोलस लिनियस को किसका पिता कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान का, जीवाश्मिकी विज्ञान का, क्रमिक विकास का या वर्गीकरण का? आंसर कीजिए 22 का। कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? भ्रूण विज्ञान, जीवाश्मिकी, क्रमिकी विकास या जीवाश्मिकी? बताइए। चलिए, इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए तो कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण के जनक कहे जाते हैं। किसका जनक कहे जाते हैं? तो वर्गीकरण के जनक कहे जाते हैं, इसलिए 22 का डी आंसर होगा। 23 नंबर, एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, कौन सा है जो एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कौन है जो कि एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। आंसर कीजिए जल्दी 23 नंबर का, 23 नंबर का आंसर कीजिए। केचुआ, जोक, नेरिस या एस्केरिसिस? चलिए, अगर कहे कौन सा एनिलिडा वर्ग के नहीं, तो केचुआ है, जोक है, नेरिसिस है, जबकि एस्केरिसिस नहीं है। तो आपसे पूछा था कि एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो वह है एस्केरिसिस, एस्केरिसिस संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। जड़ के कोशिकाओं में लंबे रोम जैसी जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? रूट नेल्स, रूट हेयर, रूट विली या रूट स्ट्राइक ट्रैक हाइट्स? जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसी भाग को क्या कहते हैं? रूट नेल्स कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं, रूट विली या रूट ट्रैक हाइट? बताइए क्या कहते हैं इसको। चलिए, अगर इसकी बात कहा जाए कि जड़ों में कोशिकाओं के लंबे रोम जैसी जो भाग होता है उसको रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। आगे, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा किस रूप में, मतलब कि जो पाचन अंत में जो जारी ऊर्जा के रूप में कौन सा होता है? विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में? बताइए किस में हो जाता है। जब पाचन होता है तो किस रूप में हो जाता है? पाचन के अंत में जारी ऊर्जा किस रूप में होता है? विद्युतीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो इसकी आंसर की बात कहा जाए तो इसकी आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। और पाचन के अंत में जारी ऊर्जा किस रूप में जाना जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। यह क्या है? इसका राइट आंसर है। तो लीजिए, आज बहुत जल्दी जल्दी हो गया, क्योंकि आप लोग चाहते ही हैं कि वीडियो का डिस्कशन न किया जाए, सिर्फ टिक मार्क ही करवाया जाए। तो चलिए ऐसे ही करते हैं, ताकि आप लोग भी समय को बचत हो, क्योंकि आप लोग सभी चीज़ तो पढ़े ही हैं। इसीलिए, क्योंकि देखते हैं कि जब हम डिस्कशन थोड़ा बड़ा करते हैं
तो आप लोग बीच में से भागने लगते हैं, इसीलिए आज डिस्कशन छोटा किए कि आज देखते हैं कि आज आप लोगों की क्या हालत है, क्या आप लोग ऐसे भी भागते हैं या डिस्कशन को देखकर भागते हैं। डिस्कशन छोड़ के जाने का मतलब देखते हैं कि जब टिक मार कराते हैं तो उसमें बहुत लोग जुड़े होते हैं, और जब इसका डिस्कशन करने लगते हैं तो संख्या घटने लगता है। इसका मतलब कि आप लोग डिस्कशन नहीं चाहते हैं। तो आज वीडियो देख लीजिए और आज के बाद बताइएगा कि कौन सा अच्छा है, क्या डिस्कशन हो या टिक मार्क ही चले। तो चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डी एजुकेशन से, और जो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक भी कर देगा, और जो पहली बार होगा इसको सब्सक्राइब भी कर लेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।